नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। अब भाई हम तो नहीं बोलेंगे, वो तो मेरा काम नहीं है। नहीं, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी, हर सरकार बन गई, फिर भी नहीं राम मंदिर बन पा रहा है। अब हम कुछ बोल के फंसने वाला काम नहीं करेंगे भाई, वो राजनीति वाला काम है भाई। मैं एक सिनेमा का आदमी हूँ, मैं एक जनता हूँ, जिस तरह दुनिया है उसी तरह मैं भी हूँ। राम मंदिर पे मैं नहीं बोलने वाला कुछ। हम अगर बाबरी मस्जिद की तरफ से बोलेंगे तो भी फंस जाएंगे, राम मंदिर की तरफ से बोलेंगे तब उलझ जाएंगे। इसलिए भाई जो बनना है बना दो, हम काहे के लिखा जी, आप लोग भी समझदार हैं तो हम काहे के बोले। हम बोल रहे हैं कि जो बनेगा उसका सम्मान है खेसारी के दिल में। हर धर्म मेरे लिए सक्रिय है, हर धर्म के लोग मुझे प्यार करते हैं और हर धर्म से मुझे प्यार है। और हमारी कोई ना जाति होती है ना ही हमारा कोई धर्म है, बस हम कलाकार हैं, जाति से हैं और कलाकारी हमारा धर्म है। बस कोशिश यही रहती है कि हम अपने कला के क्षेत्र से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। और हम एक देशवासी हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके बारे में बोलें, लेकिन हम एक कलाकार होने के नाते हम सबसे पहले कलाकार हैं, देशवासी हैं तो कलाकार भी हैं। तो हमारी बहुत सारी जीत, अब कोई नेता वेता बोल ही नहीं रहे हैं इस पर, हम काहे के लिए फालतू में उड़ता तीर में मतलब कर लें। नेता से कम आप है? नहीं सर, हम नेता नहीं, नेता तो कुछ बोलता ही नहीं है। और नेता लोग नहीं बोलते हैं कि भाई उनको वोट लेना है, हमको तो प्यार लेना है, तो हम प्यार की ही भाषा बोलेंगे। हमारे पास प्यार है, मोहब्बत है, मोहब्बत बहुत सारा है। दिल इतना, देखिए दिल हो सकता है कि दिल इतना छोटा हो, लेकिन इसमें जगह जो है ना, दिल में रखने के लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो एक मन में है जो हमने आपको रख लिया, संजय भूषण को घुसा लिया इधर। संजय भूषण की पूरी बॉडी तो नहीं घुसा सकता, लेकिन इस नाम को घुसा लिया, आनंद नाम को घुसा लिया, राम नाम को घुसा लिया। तो ये चीजें हैं, तो मैंने घुसाया तो वो मेरे मन में है। और मैं बस प्लीज, बाढ़ आ रहा है उधर, मैं आप सब स्टारों से कह रहा हूँ कि आप फेसबुक पर जो लाइव आएगा ना, धजिया उड़ा दूंगा मैं इस बार तो चुप नहीं रहने वाला। फेसबुक पे कोई लाइव आकर फालतू की बातें की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आप भी बर्दाश्त, आप सबसे बोलूंगा कि आप भी बर्दाश्त मत करिए, उसका जवाब दीजिए। आप मदद कोई करे तो फेसबुक पे आए तो शायद अच्छा लगेगा कि हाँ आदमी मदद करके उसके बाद फेसबुक पे आके लोगों के लिए अपील करा। मदद करना नहीं है, खाली फेसबुक पे पड़ करना है, सिर्फ अपना सिनेमा चलाने के लिए। क्यों, वो जिंदा रहेंगे तो ना आपके सिनेमा देखेंगे, वो जब नहीं रहेंगे तो आपको सम्मान कौन देगा। अरे यार, एक फूल फेंकने वाले को भी, एक फूल फेंकने वाला भी आदमी जिंदा रहेगा तो ही आपके ऊपर फूल बरसेगी। तो जब वो तकलीफ में रहेंगे तो आप पे फूल बरसाने का काम कोई नहीं करेगा। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, और मैं जो पहले भी बोला कि आप लोगों के पास आज माध्यम है, आप लाइव आकर खेसारी से खुद अपील करिए। जहाँ पे कष्ट होगा मैं कोशिश करूंगा, जितना हो सकेगा, मेरे पास 10 की औकात है मैं 10 ही दूंगा, लेकिन मैं दूंगा जरूर आप सबके लिए। तो प्लीज आप, अब आप कोई कहेगा जी भैया हम दूध इसे खाए नहीं है, हम अपन घर छोड़ के चले आए हैं, हमको अपने पास रख लीजिए, तो बताइए अब इसके लिए हम क्या करें। ऐसे कई सारे केस मेरे पास आते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। कोई बोलता है कि हम अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ गए हैं, तो ये बताइए जो माँ बाप को छोड़ के आ गया है उसका सम्मान मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे कम से कम 200 लड़के मेरे पास आए और ये बोले कि हम अपने मम्मी पापा को छोड़ दिए आपके लिए। तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़िए मेरे लिए, क्योंकि मैं बाद में हूँ, जिन्होंने आपको पैदा किया है वो सर्वोपरि आपका ईश्वर है। तो जो माँ बाप को छोड़ के आता है, सॉरी, मैं उसका सम्मान कतई नहीं कर सकता, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन वो माँ बाप का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरी जीवन आपके लिए झोंक दिया है। तो मैं हर उस भाई से अपील करता हूँ कि आप मुझे मानिए, मोहब्बत करिए, लेकिन मेरे लिए अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आने की ज़रूरत आपको नहीं है। और आप अगर माँ बाप को छोड़ के आते हैं तो मैं आपका सम्मान नहीं कर सकता। इसीलिए माँ बाप को देखते हुए आप ये बोलिए कि मैं माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, भैया मेरी मदद करिए, मैं आपके साथ हूँ और उस माँ बाप के भी साथ हूँ, क्योंकि हमारे लिए आप लोग माँ बाप हैं, हमारी हर वो चीज़ है, हमारा हर वो खुशी है। इसीलिए मैं उस खुशी से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप को सम्मान दीजिए, और माँ बाप को छोड़ के आने की मेरे पास ज़रूरत नहीं है। आप आइएगा, आपका सम्मान मेरे पास नहीं है, माँ बाप का सम्मान करके आइएगा, आपका खुशी से स्वागत है खेसारी के दिल में और जीवन में। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।